तो देखिए ये शुद्ध समाचार किसके लिए आपको जानना चाहिए, क्योंकि ये शुद्ध समाचार है रोडवेज कर्मचारियों के लिए। जी हाँ, बड़ी खबर ये हम आपको बता दें कि देखिए रोडवेज कर्मचारियों के लिए शुभ समाचार ये है कि जो संविदा कंडक्टर्स हैं उनकी नौकरी का जो समय है वो 5 साल तक बढ़ा दिया गया है। आप 65 साल तक संविदा कंडक्टर ड्यूटी कर पाएंगे। निगम प्रशासन ने संविदा कंडक्टरों को सेवानिवृत्त करने की उम्र 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी है। इसमें प्रदेश भर में वर्तमान में तैनात 18,000 संविदा परिचालक 5 साल तक और नौकरी करने का उन्हें मौका मिलेगा। इस व्यवस्था से वर्तमान में 60 साल में हटाए जा रहे संविदा कंडक्टर्स पर रोक लग जाएगी। इससे बस कंडक्टर के अभाव में बसों का संचालन नहीं रुकेगा और यात्रियों को बसों की सुविधा बदस्तूर मिलती रहेगी। और इस बीच एक और शुभ समाचार आपको दे देते हैं, क्योंकि जिस तरीके से गर्मी का मौसम है और पहाड़ों की अगर हम बात करें तो वहां पर जल संकट भी गहराता हुआ दिखाई दिया था। तो एक रात भरी खबर आपको दे देते हैं, पहाड़ों पर हो रही बारिश की वजह से गोला नदी का जलस्तर 103 क्यूसेक पर पहुंच चुका है और जिस वजह से अब लोगों को इस जल संकट से निजात मिल सकती है और पेयजल संकट के लिहाज से ये अच्छी खबर मानी जा रही है। इससे पहले भीषण गर्मी के चलते गोला नदी का जलस्तर 80 क्यूसेक पर आ गया था, लेकिन दूसरी तरफ भारी बारिश के चलते गोला नदी में भारी मात्रा में सिल्ट आ गई है और जिसके चलते हल्द्वानी फिल्टर प्लांट को कई घंटे के लिए बंद रखना पड़ा। बिल्कुल, तो ये आपने देखे तमाम शुभ समाचार ब्रेकिंग स्टोरीज आपने देखी, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है। अभी आपको वायरल वीडियोस भी देखनी है, खेल में क्या हो रहा है, एंटरटेनमेंट से जुड़ा क्या खास है ये भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन ब्रेक के बाद।